लीजिए, तो इसको ऐसे खाते हैं आधा छिलका रख के। तो मेरे दादा के दादे के टाइम का ये पेड़ लगाया हुआ है। दोस्तों अगर किसी भी साहिबान को झट पड़े बेमी की तो आ जाना, कपड़ा भी सुखाएंगे। हाँ इतने कुछ नहीं, और मेरी रेल बनने वाली है। चलो तो सबकी रेल बनेगी आज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली नेगी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी मेरे फ्रेंड्स, सभी मेरे व्यूवर जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लवली नेगी। तो आज का जो ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम, तो फ्रेंड्स आज का जो ये व्लॉग होगा बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप देख सकते हो आज इस व्लॉग में मेरे साथ होंगे मेरे बड़े दी, मेरी मम्मी और पापा, साथ ही मेरे पार्टनर दो। तो उसके बाद ये देख लीजिए, हम थोड़ा ये देख लीजिए, ये हमारा किल्टा। तो हाँ आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारा ट्रेडिशनल फूड जिसका नाम है बेमी। आज वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में। तो आप आज के इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल लवली नेगी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अभी। तो अभी का आज का व्लॉग शुरू करते हैं। चलिए, तो देख सकते हो आप हमारे पास कम से कम अभी तो जो दिख रहे हैं दो किल्टे हैं यहाँ देख लीजिए, जिसमें हमने आज बेमी उठा के लेकर आनी है। तो हमारे खेत में बहुत सारी बेमी हैं जो ट्रेडिशनल फूड है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का, जो आपने बहुत कम ही देखा होगा, वैसे तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो चलती है चलिए चलते हैं खेत और देखते हैं बेमी का हाल। मम्मी हम क्या क्यों जा रहे हैं खेत आज? आज हम बेमी उठाने जा रही है और पौधा काटने जा रही है। और क्या करेंगे आज हम? बेमी उठा के घर लाएंगे और पौधा काटेंगे। हाँ और कपड़ा भी सुखाएंगे। हाँ इतने कुछ नहीं, और मेरी रेल बनने वाली है। चलो तो सबकी रेल बनेगी आज। रोज बन रही है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बेमी उठाने, फाफड़ा काटने। फाफड़ा फाफड़ा और क्या करते हैं खेत में तो पता ही है। बाकी पापा अभी आगे चले गए खेत में दो पार्टनर को लेके। ठीक है तो बने रहिए, और तो अभी आगे चलते हैं बेमी उठाएंगे। प्लीज फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, ये है बेमी का पत्ता यानी छोटी सी टहनी, ये है पत्ती का सैंपल। बाकी अब थोड़ा सा बेमी का पेड़ दिखा दूँ अगर मैं, तो बेमी का पहला ये देख लीजिए पेड़, ये मेरा बेमी का पेड़ पहला पेड़, और ये दूसरा पेड़, दूसरा के बाद ये देखिए तीसरा पेड़, ये चौथा पेड़, ये पांचवा पेड़, ये छठवा पेड़, ये सातवां पेड़, ये आठवां पेड़ और ये नौ पेड़। मैक्सिमम यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स आपको 10 पेड़ देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो बेमी गिरी है यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए बेमी। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक देखा हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का हिमाचल का ट्रेडिशनल फ्रूट्स, यानी कि देख सकते हो आप बेमी आपको मैंने अभी तक दिखाया था जो मैंने उठाया बहुत सारा, बाकी जो गिरा था, बाकी पेड़ भी मैंने दिखा लिए बेमी के। बाकी तो आपको मैं पिछले व्लॉग में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, बाकी सब कुछ आपको पता ही लग गया होगा। तो इसका टेस्ट बड़ा ही टेस्टी होता है ये,
बाकी इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारे लिए तो ये बेमी जो है पूरे हीरे के समान, यानी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि इसकी अहमियत केवल सिर्फ और सिर्फ पहाड़ के लोग ही समझ सकते हैं कि क्या है ये, क्योंकि शहर के लोगों को तो इसका पता नहीं होगा कि आज तक खाया भी होगा या नहीं, क्योंकि ये पहाड़ के लोग ही समझ सकते हैं इसके बारे में। बाकी बाकी अगर इसके खाने की बात करूं तो फ्रेंड्स आपको मैं छिलका निकाल के दिखा देता हूं इसको कैसे खाया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो बैमी है इसका ये छिलका निकाला जाता है बाहर से, चाहे तो हम वैसे तो पहाड़ के लोग इसको ऐसे ही खा लेते हैं, बट इसमें थोड़ी अगर मिट्टी ना हो तब, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है जो छिलके में सबसे ज़्यादा होगी, तो खासकर मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ, बट मैं आपको दिखा लेता हूँ जो इसको छिलका निकालने के बाद ऐसा है वाइट, देख लीजिए। तो इसको ऐसे खाते हैं आधा छिलका रख के, ये तो है हमारा ट्रेडिशनल फूड। खाने के बाद जो ये गुटली है इसको निकाल देते हैं, सबसे यूजफुल यही है, 100 में से 50% इसका भी जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो यह हमने खा ली, बाकी तो ये देख सकते हो पूरी बैमी जो बहुत ही टेस्टी है। बाकी इसका एक यूज़ ये भी है, इसको हम सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद हम सर्दियों में भी खा लेते हैं इसको, उसका अलग ही टेस्ट होता है। ये तो हम खाली छिलका निकाल के खा सकते हैं, शहर के लोग ऐसे खा सकते हैं। बाकी अगर पहाड़ के लोगों की बात करें तो पहाड़ के लोग थोड़ा सा इसे साफ कर ले, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो पहाड़ के लोगों को ही पता होगा, शहर के लोग नहीं समझेंगे इसके बारे में। तो मैं खुद पहाड़ी हूँ तो आपको मैं ये देख लीजिए, इसको मैंने पूरी तरह चाहे कपड़े से साफ करो चाहे किसी से हाथ में, साफ करने के बाद इसको ऐसे खाना है। इसका तो फ्रेंड्स एक अलग ही टेस्ट होता है, बहुत यम्मी टेस्ट है। तो हमारे लिए तो ये पूरी प्रकृति स्वर्ग के समान है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे बैमी की, तो मैंने आपको बैमी तो दिखा दी, उसके बाद थोड़ा हम बात करेंगे आगे बैमी के पेड़ की। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको बैमी के पेड़ के पास, ये देख लीजिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पीछे जो है मेरे बैक साइड में, ये है बैमी का पेड़, ये देख लीजिए। आपको लग रहा होगा ये सूखा है बहुत, बटे नीचे से अगर हमें लगे कि सूखा है, बटे ऊपर से आप देखोगे तो ये देख लीजिए पूरी हरी टहनी, चारों तरफ से फैली हुई टहनी है ये इसकी। अगर इसको नज़दीक से देखें तो ऐसा लगता है जैसे सूखा है पूरा, बट ये नीचे से सूखा है तो ऊपर से हरी टहनियाँ निकलती है। अगर ये हम इस पेड़ की बात करें तो ये हमारे दादे के टाइम से चला आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसकी जो कंडीशन है पूरे इसको देख के पहचान ही सकते हो कि कितना पुराना होगा। ये देख लीजिए पूरी चारों तरफ टहनियाँ फैली हुई है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मुझे 25 साल हो गए इस पेड़ को देखते हुए, तो मेरे दादे के टाइम का ये पेड़ लगाया हुआ है। तो ये जो बैमी है फ्रेंड्स, अगर बैमी को उगाना बहुत मुश्किल है, अगर बैमी का पेड़ उग जाए तो उसमें कोई केयर वाली बात नहीं है, तो उसको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही खुद बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये है कि ये सदाबहार है जो ये पेड़ है बैमी का, ये पूरा सदाबहार। बाकी जो अगर ये पेड़ सूख भी जाए तो सूखने के बाद आप देख सकते हो नहीं पूरी टहनियाँ निकल रही है, पूरी नई टहनियाँ निकलती है दोबारा से, मतलब ये है कि कभी ये सूखेगा नहीं। अगर मान लो सूखेगा तो फिर भी एक साइड से ये रख लो कि
एक साइड से सूखने के बाद दूसरी साइड से इसकी टहनी निकल जाती है। बाकी ये बहुत पुराना है, ये देख लीजिए, आप देख सकते हो पूरा नीचे से पूरा सड़ चुका है पेड़, बट ऊपर इसकी देखोगे आप तो ये देख लीजिए पूरी हरी पत्तियाँ, पूरा पेड़ है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बैमी का पेड़, ये देख लीजिए, आप देख के ही बता सकते हो कि ये कितना पुराना होगा, पूरा सूखा हुआ है। इसे देखकर कोई ये नहीं बोलेगा कि हरा पेड़ है, पर अगर हम थोड़ा सा ऊपर की बात करें तो इसकी चारों तरफ टहनियाँ देख लीजिए कैसी फैली हुई है, और थोड़ा ऊपर की बात करें तो पूरा हरा भरा पेड़ जिसमें बहुत सारी बैमी लगती है, ये देख लीजिए, ये पूरा हरा भरा जो साल सदियों से चला आ रहा है और अभी भी मैं देख रहा हूँ, जिससे बैमी हम खाते हैं जिस पेड़ की। बाकी अगर ये सूख भी जाए तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो पूरी कली निकल रही है, वहाँ देख लीजिए ऊपर तक, ये देख लीजिए पूरी पत्तियाँ, आने वाले एक दो साल में ये फिर इसमें पूरे फल लगेंगे बैमी के। तो ये कि पूरा जो पेड़ है ये फ्रेंड्स, ये है पूरा सदाबहार, ये देख लीजिए। कौन बैठ जूली, निकू टोपी पहना, टोपी यहाँ पे हम खेत में आ रखे तुम्हारी फ्रूट बैमी, इस फ्रूट नेम इज बैमी और बादाम भी कहते हैं, लोकल बादाम। ये फ्रूट तीन प्रकार का होता है, एक मीठा, खट्टा और कड़वा, पकने के बाद मीठा कोई खट्टा भी होता है। इस बैमी के फायदे, छिलका निकाल के इसका लिक्विड बनाया जाता है और इसकी वाइन भी बनाते हैं, इसको देसी शराब कहते हैं किन्नौर में, बैमी की दारू। और इसके अंदर से निकलते गिरी, ये गुट्टी नाम इसको बोलते, गुट्टी गुट्टी के अंदर से निकलते गिरी, जो कि गुट्टी को पीस करके तेल निकाला जाता है। तेल लोकल एरिया में बूढ़े जवान बच्चे को मालिश करने में काम आता है। और इसके बाहर का जो छिलका है जो गिरी का, इसको लकड़ी के जलाने के काम आता है तंदूर में। और इसके बाद पकाने के बाद ड्राई फ्रूट के तौर पर खाते हैं, बहुत मीठी होती है। दोस्तों अगर किसी भी साहिबान को झट पड़े बेमी की तो आ जाना किन्नौर में, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद जो भी गुट इसके अंदर से तेल निकलता है, गुटके तेल कम से कम 2000 रुपये लीटर बिकता है सिटी में, बाज़ारों में। इसके अलावा हमारे किन्नौर में चुल्ली भी होती है, वो अगले ब्लॉक में मैं दिखा दूँगा दोबारा। धन्यवाद फ्रेंड्स, देख सकते हो आप ये पूरा किल्टा है रबड़ का, इसको हमारी बोली में बोलते किल्टा, यानी आप देख सकते हो पूरी बड़ी टोकरी जिसमें मैंने कम से कम 50 किलो से ऊपर है ये मेरा भार, ये देख लीजिए आपको उठा के पता लग रहा होगा। तो इसमें सारी ये देख लीजिए पूरी भर के बैमी है, ये देख लीजिए, इसको हम अब घर लेकर जा रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में आपने देखा कि हमने बैमी उठाई और किस तरह बैमी के डिफेक्ट सारे कुछ बताए, तो आपको आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल लवली नेगी को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, अपने राइट साइड देख लीजिए, रेड कलर को वाइट कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब आपको मैं बहुत जल्द मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ओके बाय बाय। Thank you for watching my video.